ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मैं डॉक्टर नागर पेशे से मनोवैज्ञानिक और पैशन से ह्यूमन माइंड का फैन हर रात आपके पास लेकर आता हूँ मुझसे मिले कुछ लोगों की आप बीती कुछ घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसी रात की है जब दिल्ली में रहने वाले दो दोस्त ऋषभ और प्रतीक शहर के पास ही एक जंगल में कैंपिंग के लिए गए हुए थे। मैं और प्रतीक बेस्ट फ्रेंड्स थे। हम बचपन से साथ थे। वो मेरे घर के पास ही रहता था। हमने स्कूल कॉलेज सब कुछ साथ ही किया। शायद ही एक दूसरे के बारे में कोई ऐसी बात है जो हमें पता ना हो। हम साथ में काफी ट्रिप्स पर जाते थे। वी लव्ड नेचर, तो हम ट्रैकिंग कैंपिंग सफारीज पर जाते रहते थे। उन दिनों भी हम दिल्ली से थोड़ा दूर हिमाचल के जंगलों में कैंपिंग करने गए हुए थे। वैसे तो मार्च में बारिश होती नहीं, पर उस रात अचानक से बारिश शुरू हो गई। यार, तुझसे बोला था कि टरपोलिन रख ले, पर तू सुनता ही नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ तो कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। ए, तूने कब बोला था? और मुझे क्या पता था मार्च में बारिश हो जाएगी। हाँ, बारिश जैसे तुझे बता के होगी ना। तो तुझे पता था तो तू ही रख लेता। अब क्या करें, यहाँ तो रात भर बारिश में हालत खराब हो जाएगी। सुन, काम करते हैं, थोड़ा आसपास देखते हैं, शायद कहीं कोई जगह मिल जाए। चल उधर चलते हैं। हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। प्रतीक प्रतीक, वो देख वहाँ कुछ है। तुझे वो लाइट लाइट नजर आ रही है? कहाँ कहाँ, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे वो वहाँ वहाँ देख, वहाँ सामने, वहाँ इधर। अरे इधर आना, वहाँ देख सामने, एकदम सामने वहाँ। हाँ कुछ तो है, किसी का घर लग रहा है। चल चल वहाँ चलते हैं, जल्दी जल्दी चल। चल आप देख, चल वहाँ चल के पूछते हैं। आ जा, भाग। हमें दूर एक घर में एक बल्ब की लाइट दिखी। हमने सोचा कि इस बारिश से तो बेहतर है कि कहीं बस रात गुजारने के लिए जगह मिल जाए, सवेरे हम निकल जाएंगे। हमारा टेंट और बाकी सामान गीला हो चुका था। उस लाइट को फॉलो करते हुए हम उस घर तक पहुंचे। घर काफी पुराना था और डरावना भी। हमें एक बार लगा कि अंदर जाना चाहिए या नहीं, पर हमारे पास दूसरा और कोई चारा भी तो नहीं था। क्या कहता है, अंदर चले? अब और क्या कर सकते हैं इस बारिश में। हमने थोड़ा डरते हुए दरवाजा खटखटाया। कुछ देर कोई नहीं आया। हमने फिर से खटखटाया, इस बार भी कोई नहीं आया। बारिश तेज हो रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमने सोचा कि ऐसे कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। हम वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक लगभग 70 साल का आदमी दरवाजे पे खड़ा था। नमस्ते अंकल, वो हम दोनों जंगल में कैंपिंग करने को आए थे, अचानक से बारिश शुरू हो गई और अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो अंकल, क्या हम बस रात भर के लिए आपके घर में रुक सकते हैं? सवेरे होते ही हम चले जाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? जी जी, मैं ऋषभ और ये प्रतीक। आ जाओ, अंदर आ जाओ। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल। हम घर के अंदर आ गए। घर बहुत अजीब था। लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई रहा ही ना हो। सब चीजें पुरानी थी, काफी पुरानी। ना जाने घर में कब से सफाई ही नहीं हुई थी। घर में काफी अंधेरा भी था, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब बीच में जल रहा था। मुझे और प्रतीक दोनों को डर लग रहा था और इसलिए हम एक दूसरे के साथ ही चल रहे थे। यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यार मुझे भी। डरने की कोई जरूरत नहीं। इसने किसे सुन लिया कि हम क्या बात कर रहे हैं? चुप कर, वो इधर ही देख रहा है। आओ, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? अंकल, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं, मेरी बीवी
बेटा भी यही रहते हैं। अब तो अंकल अभी वो यहाँ नहीं है क्या? है तो यही है, कब से तुम्हारे पीछे। हमने जैसे ही मुड़कर देखा तो लगभग 50 साल की एक औरत, एक 17 साल की लड़की और एक 22 साल का लड़का हमारे पीछे खड़े थे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कहां से आ गए, पहले तो नहीं थे। हमें पता नहीं क्यों लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ये यहां कब से थे? मैंने तो इन्हें नहीं देखा। मैंने भी नहीं। हम तो कब से यहीं हैं बेटा। अच्छा, तुम लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं? जाओ ऊपर से हाथ मुंह धो के आओ, तब तक मैं कुछ खाना लगा लेती हूँ। मैं और प्रतीक साथ में ऊपर चले गए। हम दोनों को डर लग रहा था, ऊपर भी अजीब सा था, जैसे ना जाने कितने दिनों से इस घर की सफाई ही नहीं हुई है। मैं और प्रतीक आपस में बात कर रहे थे कि पहले कौन अंदर जाएगा, कि तभी मैंने देखा कि वो 22 साल का लड़का हमारे पीछे 2 टॉवल लेके खड़ा था। आप दोनों एक एक बाथरूम में जा सकते हैं, ये लीजिए टॉवल्स। तो मैं अपने राइट वाले में चला गया और प्रतीक आगे वाले में। अंदर काफी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से मेरा पैर किसी रॉड जैसी चीज पर पड़ गया और मैं गिर गया। कुछ अजीब सी चीज थी, अंधेरे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि उस कमरे में 5-6 इंसानों के कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी थी। मैं चीखते हुए कमरे से बाहर आ गया। प्रतीक, प्रतीक! मेरी चीख सुनकर प्रतीक भी बाहर आ गया और वो 22 साल का लड़का भी। क्या हुआ प्रतीक? प्रतीक, वो अंदर। क्या हुआ? अंदर से क्या है अंदर? प्रतीक, प्रतीक, ये जगह, यहाँ कुछ अंदर? अंदर तो कुछ भी नहीं है। हटो, मेरे पास से हटो, मेरे पास मत आना। देखो प्रतीक। ओहो, क्या हुआ? रुक रुक, मैं देख कर आता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि तभी प्रतीक अंदर देख कर आया और बोला कि वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, क्या ऐसा देख लिया तूने? उसने मुझे फिर से अंदर चलने को कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वापस अंदर जाने की। हम नीचे डिनर करने गए। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैंने प्रतीक से कहा, सुन हम यहां से चलते हैं यार, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रहा है? बाहर इतनी बारिश हो रही है, कहां जाएंगे? रात को यही रुक जाते हैं। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, डरने की क्या बात है? प्रतीक का सारा डर अचानक से कहां गायब हो गया था मैं समझ ही नहीं पा रहा था। खाना भी मुझसे खाया नहीं गया। वो क्या खाना था मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं। उसे एक बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी। पर खाना खाते खाते मैंने जब टेबल के नीचे देखा तो उन अंकल के पैर कुछ अजीब से मुड़े हुए थे, उनमें कुछ एबनॉर्मल सा था। बाकी सबने जूते पहने थे तो मैं किसी और के पैर नोटिस नहीं कर पाया। बचपन की सारी डरावनी कहानियां मुझे याद आ रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब हम यहां एक पल और नहीं रुकेंगे। मैं उठ गया और थोड़ा दूर जाकर मैंने प्रतीक को बुलाया। मैंने उससे बोला कि अब हम यहां से जा रहे हैं। ऋषभ, अभी बाहर जंगल में कहां जाएंगे? वहां तो और भी खतरा है। तू चल रहा है या नहीं? कोई नहीं जाएगा यहां, जो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता। प्रतीक, प्रतीक, तू ये क्या कर रहा है? प्रतीक, मेरा हाथ छोड़। प्रतीक, प्रतीक, मेरा हाथ छोड़। प्रतीक, 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 मेरा हाथ छोड़। देख, ये क्या हो रहा था और प्रतीक क्यों उन लोगों का साथ दे रहा था? मैंने किसी तरह अपना हाथ प्रतीक से छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं दरवाजा खोलने वाला था ना जाने कहां से वो बूढ़ा आदमी एकदम मेरे सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थी और उसने मेरा गला दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, 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 हाँ,
के अंदर भागा। मैं जैसे ही हॉल के बीच में पहुंचा तो एक तरफ से वो लड़का और लड़की मेरी तरफ बढ़ रहे थे और पीछे से वो बूढ़ा आदमी। ये कौन थे, क्या थे, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना पता था कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। पर इन सब में प्रतीक कहाँ था, मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसा क्यों कर रहा था ये भी नहीं पता। पर हाँ, इतना जरूर पता था कि वो भी शायद इन लोगों से मिल गया है और अपनी जान बचाने के लिए मुझे मारना चाहता है। मेरा अपना बचपन का दोस्त भी ऐसा कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मेरे पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैं चारों तरफ से घिर चुका था। सिर्फ सामने एक सीढ़ी थी जहां से मैं पहले ऊपर गया था। मैं सीधा सीढ़ी की तरफ भागा और ऊपर गया। वो तीनों मेरे पीछे आ रहे थे, पर जैसे ही मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि प्रतीक भी उतने ही गुस्से से मेरी तरफ बढ़ रहा है। पहले मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर जब वो पास आया तो कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो तीनों भी ऊपर आ गए और मेरी तरफ बढ़ने लगे। एक तरफ से प्रतीक जो कि लगभग अब मेरी बगल में आ चुका था और दूसरी तरफ से वो तीनों, वो भी मेरे बगल में आ ही चुके थे। मेरे पास कहीं भागने का कोई चारा नहीं था। मैं पीछे होता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सीढ़ियों की रेलिंग से पीछे गिर गया। बस मुझे अपने फर्श से टकराने की आवाज सुनाई दी। बंद होती आंखों से मैंने उन पांचों को ऊपर देखा। वो जोर जोर से हंस रहे थे और उन पांचों में एक मेरा अपना दोस्त था। पर दरअसल ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू तो अभी आपको बताना बाकी है। खुद ऋषभ के शब्दों में अगले दिन जब उन्हें होश आया तो वो घर पे नहीं बल्कि उसी जंगल के पुराने कब्रिस्तान में थे जिसमें कई सारी उजाड़ कब्रें थीं। ऋषभ के सिर पे गहरी चोट थी, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनके बिल्कुल बगल में प्रतीक था जो पिछली रात कब मर चुका था ये कोई नहीं जानता। वो कैसे मरा कोई ये भी नहीं जानता। ऋषभ पर जिस प्रतीक ने हमला किया था वो जिंदा भी था या नहीं ये ऋषभ भी नहीं जानता था और शायद कभी कोई जान भी ना सके। इसीलिए आप भी इस किस्से के बारे में ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि मैं कल रात फिर तैयार रहूंगा आपके लिए एक नई घटना लेकर, जिसे सुनकर ऋषभ की तरह आप भी कह उठेंगे क्या वो सच था। एक आखिरी बात, जिंदगी में दोस्ती मजा मस्ती ये सब जरूरी है, पर आप जो भी करें सुरक्षित होकर करें, जोश में होश न खोएं। अगर उस रात प्रतीक और ऋषभ पूरी तैयारी के साथ जाते तो प्रतीक आज भी हमारे बीच होता। खैर, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डॉम को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।